नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा अभी इन्होंने कहा, मेरा नाम सुधीर चौधरी है और मैं जी न्यूज़ का एडिटर हूँ। जिंदगी चैनल के बारे में आपने यहाँ एक छोटा सा होर्डिंग देखा होगा, लेकिन ये सेशन हम शुरू करें उससे पहले हमारे लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा ज़रूरी होगा कि हम ये समझें कि जिंदगी चैनल क्या है और जिंदगी चैनल कैसे हमारे दर्शकों की ज़िंदगी बदल सकता है और कैसे बदलाव ला रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले एक एवी देखिए, एक वीडियो प्रेजेंटेशन है जिंदगी चैनल के बारे में, पहले आप वो देखिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इंसान परिंदों जैसे होते, तो कौन पूछता कि ये परिंदा कराची का है या कोलकाता का। लेकिन हम परिंदे नहीं हैं और इसीलिए नाम, मकाम, पहचान और वतन के दायरों में बंधे हुए हैं। हम एक दूसरे के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी से मुट्ठी भर पल तो जरूर चुरा सकते हैं। वीजा इंसानों को लगता है, कहानियों को नहीं। खुशी, गम, आंसू और मुस्कान आज भी पासपोर्ट की मोहर से आजाद है। चलिए जी के देखें वो जिंदगी जो सरहद के दोनों तरफ आबाद है। एहसास की रोशन कहकशां पर एक बार चल के देखिए, नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं, जिंदगी बदल के देखिए। जिंदगी, इंडियाज ओनली प्रीमियम हिंदी चैनल। काश इंसान पर ओके, यू वांट देम पैनलिस्ट टू कम अपस्टेयर्स। ओके, 7 महीने पहले हमने जिंदगी चैनल लॉन्च किया था और जब जिंदगी चैनल की शुरुआत हो रही थी, तभी उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओथ सेरेमनी चल रहा था। ये चैनल लॉन्च करने से पहले जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास गए जब वो दिल्ली आए थे और वो प्रधानमंत्री मोदी की ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे। और जो अभी आपने इसके कुछ रशेज़ देखे चैनल के, तकरीबन इसी तरह के रशेज़ हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दिखाए, उनको बहुत पसंद आए। और उनका पहला सवाल जो हमसे था वो ये था कि क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में बना है और ये आपने कहाँ से ये कंटेंट बनाया। तो हमने उनको बताया कि कहानियाँ पाकिस्तान की हैं, प्रोड्यूसर पाकिस्तान के हैं, संवाद वहीं के लोगों ने लिखे हैं, भाषा हमारी है, भाषा हिंदुस्तान की है, भाषा पाकिस्तान की है, भाषा हम सब की है, संवाद करने का जो तरीका है वो हम सब का है। उस वक्त ऐसा लगा था जब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने एक मशहूर हैंडशेक किया था, आप सब ने तस्वीरें देखी होंगी अखबार में, टीवी में, तब लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। आज वक्त ऐसा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है, सरकारी स्तर पर बातचीत बंद है। लेकिन जिंदगी चैनल के जरिए जो हमने शुरुआत की थी बातचीत खोलने की, संवाद बढ़ाने की, जो रास्ते हमने खोले थे वो आज भी खुले हुए हैं और उन रास्तों के जरिए आज भी दोनों देशों के बीच, दोनों तहजीबों के बीच, दोनों देशों के लोगों के बीच, टेलीविज़न के दर्शकों के बीच संवाद जारी है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और इससे मुझे लगता है ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिससे दोनों मुल्कों की जो तहजीब थी वो करीब आ पाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छी कहानियों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी कहानियों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी कहानियाँ कैसी भी सरहद हो, सरहद को पार करके अपने आप लोगों की ज़िंदगियों में आ जाती है और लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और आज आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 7 महीने के छोटे से सफ़र में जिंदगी चैनल को चैनल ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। लोगों ने इसको पसंद किया और हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त हमने एक सर्वे कराया, रिसर्च कराई कि क्या इस तरह का कंटेंट हिंदुस्तान में चलेगा, और उसमें ये पाया गया कि एक
दर्शक का वर्ग ऐसा है जो कि अच्छी कहानियाँ सुनना चाहता है, अच्छा कंटेंट देखना चाहता है, अच्छा टीवी देखना चाहता है, और एक वर्ग ऐसा है जो कि हिंदुस्तानी में बात करना चाहता है, जिसमें कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। जिंदगी की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उसमें सरलता है, सरल है, जिसे आप प्रोग्रेसिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पाकिस्तान की कहानियाँ हैं, संवाद है और कलाकार हैं, ये सब कुछ भारतीय दर्शकों को पसंद आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में कहीं ना कहीं उर्दू का अंश है। हम उर्दू को पराया नहीं मानते, उर्दू हमारा हिस्सा है। एक कंसेप्शन है कि उर्दू कहीं बाहर से आई है, उर्दू पराई है, या उर्दू को हम लोग एक मुश्किलात के नज़रिए से देखते हैं। ज़िंदगी की कोशिश ये थी कि हमें उर्दू पराई ना लगे, हमें उर्दू अपनी लगे, और उर्दू हमारे परिवार का हिस्सा है। इस बात पर आज मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस बात को। ज़िंदगी पर दिखाई जाने वाली कहानियाँ अवार्ड विनिंग उर्दू नॉवेलिस्ट्स की हैं, जैसे उमेरा अहमद, फरहत इश्तियाक और रज़िया भट्ट। इनके उपन्यासों पर हमारे जो सीरियल्स हैं वो आधारित हैं। फवाद खान और माहिरा खान जैसे पाकिस्तान के कलाकार आज भारत में बड़े स्टार्स बन चुके हैं, लोग उन्हें नाम से जानते हैं और बहुत पॉपुलर हुए हैं। और आखिर में एक ख़ास पहल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि एक नया इनिशिएटिव है। ज़िंदगी चैनल के ज़रिए हमने एक डेली ज़िंदगी डिक्शनरी शुरू की है। ज़िंदगी डिक्शनरी में हम हर रोज़ उर्दू का एक शब्द अपने दर्शकों को बताते हैं और उसका मायने समझाते हैं, ताकि उर्दू आपके जीवन में बस सके, आप उर्दू को ठीक से समझ सकें। हालांकि उर्दू हमारे जीवन में है, हम उर्दू का हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का अंश हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग जानते हुए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग बिना जाने इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि पैनल आज का शानदार पैनल है। इट्स अ विजुअल एंड ऑडियो ट्रीट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब लोग इस हॉल से बहुत कुछ लेकर आज जाने वाले हैं। मेरा रोल यहीं तक था कि मैं आपको ज़िंदगी के रोल के बारे में बताऊं और मैं आपको बताऊं कि कैसे हिंदुस्तान के दर्शक कह रहे हैं हेलो ज़िंदगी। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Mr. Sudhir Chaudhary, for that wonderful introduction to a channel that's making waves and making a difference in our lives. I would now, without further ado, like to invite our panelists for Adab Bara-e Zindagi, Art for Life's Sake. Shri Javed Akhtar, Pushpesh Pant, Ali Husain Mir will be in conversation with Rakhshanda Jalil and introduced by Aakar Patel. Also, for the benefit of everybody, as a clarification, Terror and Faith, which was slated to happen right after this, will happen in the next hour, that is from 3:15 onwards, in the front lawns. So that talk will not be happening here, that talk will be happening in the newly opened and sunny front lawns. Please. A man writes a story which is thought to have ridiculed and perhaps blasphemed the Prophet of Islam and his wives. The book is burnt, it is banned, the writer flees, goes into exile. 4 decades before the satanic verses, this book, Angare, it detonated a controversy on the subcontinent. Catalyzed and helped to produce a movement whose writers referred to themselves as being a Tarakki Pasand, a progressive. What is it that they were progressing towards? What is it that they were leaving behind? What did they reject in terms of the old literature? What did they produce which was new? What was the relationship that this new literature had with the state, with imperialism? Who are these people? To illuminate, to talk about this and hopefully to illuminate a very wide subject in a very short time, Javed Akhtar, Rakhshanda Jalil, Pushpesh Pant, Ali Husain Mir. Thank you very much. Thank you, Akar.
very succinct introduction. The progressive movement, as you know, was not just a literary movement. It was a socio-cultural movement. I think the one of its kind movement in many ways. Its roots go back to the First War of Independence in 1857, but we see a very spectacular flowering from the 1930s right up to the 1950s. It appropriated all the major movements of its time: anti-colonialism, anti-fascism, feminism, abolition of zamindari. In fact, every big movement was echoed by the progressives. I'm going to start with you, Javed Saab, and I want a really short, sharp answer from you. You've been an eyewitness. We'll come to that. We'll come to your memories in a little while. But today, if you recall for this audience here at GLF, in one or maybe two words, what does the progressive movement mean to you today? Two words. Okay, so very briefly, in two words, if you look back, how would you describe the movement? Now, since I have been given the ration of two words, maybe I'll say very important. These are two words. All right. Indeed, it was very important for various reasons that we're going to come to in a bit. But again, to come back to Javed Saab, who has been an eyewitness to the movement. Javed Sahab was, in a sense, he grew up in the lap of the progressive movement. His father was a progressive poet. His mother was very active in the movement. His uncle was Majaz, the poet whom you all know for Awara and many other things that he's written. So he has, in a sense, he was a child of the movement. Javed Sahab, share with us some memories of the movement, your earliest memory, some interesting anecdotes, something that you remember from those very heady days. Well, as a matter of fact, I mean, whatever you may say will fall short in describing the importance of the contribution of progressive writers' movement in, say, 40s, 50s, and 60s. Yes, I was born in a family where my father, my uncle, my mother, and obviously their friends, and all the progressive writers were like one big clan. It was a huge extended family. So all these people, I know somebody sometimes asked me, aap zindagi mein kaifi saab se pehle kab mile the? I don't remember. I think I knew him or I knew all of them the moment I was born. So importance uski ye hai ki that was the time when, you know, India was had just come out of the colonial rule. India was dreaming. India had gone through a very, very traumatic experience of very violent and bloody partition. And feudalism, all right, on the paper, zamindari was abolished, but obviously feudal values and feudal systems were still had to be demolished. These were the times when writing was used for this purpose. In 50s, there was a survey in the northern Indian universities to ask students, why are you a member of a student federation, which was the leftist organization of students. And more than 50% said, because we have read Krishan Chandar. Now, they had not read the Communist Manifesto or Das Kapital or any book on socialism or on economic justice or any sociology. They had read a fiction writer. And same way, I mean, Faiz or Majaz or Kafi or Jafri or all these people, their poetry was the poetry of that time. And every student who was interested in poetry would remember their poems, quote that. And these are the people, whether prose writers or poets, they inculcated value for social justice, for women empowerment, for a better world. So that is the importance. I remember how I was introduced to Krishan Chandar. I must tell you that. And I'm a great admirer of that writer. When I was in sixth class, my teacher gave me an essay to write on Subha Ka Manzar. Jo Urdu class thi hamare
school mein Colvin Talukadas Lucknow mein. So he gave me this topic, Subha Ka Manzar, to everybody. Now, what did I know about Subha Ka Manzar? I was perhaps 9 years old. I had vaguely heard that in the morning, wo jo Lucknow mein zoo hai, hamara ghar se bahut dur tha. To subah subah kabhi 4 baje sher ki roar ki awaaz yahan tak aa jati hai. To maine shuru hi article yahan se kiya ke subah savere zoo se sher ke dahadne ki awaaz aati hai aur jin logon ka ghar zoo ke paas hota hai unko shayad bhalu ki awaaz aati hai. So my aunt lost her temper when she saw this great writing and she said, phaad ke sab phek diya, and she said, who do you think you are? You are Krishna Chandra. So, पहली दफा मुझे ज़िंदगी में ख्याल आया कि कृष्ण चंद्र तो कोई बहुत बड़े आदमी हैं और वो सुबह के मंजर पे जब चाहे लिख सकते हैं. तो that was the curious. So you see, in your ambience, when you have respect for poets and writers and talk, you listen to them about Faiz and Krishna Chandra and Bedi, so you become curious. So that was it, and I think they have played a very, very important role, this progressive writers movement. Even when they some people denied the importance, then to you see, you only change in two conditions: when you accept the suggestion or when you reject the suggestion. Some people change because they accepted the suggestion, and some people change because they rejected the suggestion, but they change because of progressive writers movement. You've been a student of international relations. You've taught international relations. Pushpesh ji, you have studied international relations. Do you see a cosmopolitanism and a kind of internationalism in the progressive writers movement, which is in some ways unique? मैं जब progressive movement की बात करती हूँ तो सिर्फ अंग्रेजी में नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं हिंदुस्तानी में लैप्स करूँगी. तो इससे पहले जहाँ तक मेरी समझ है, कभी हिंदुस्तान के लिखने वाले ने बाहर की तरफ इस हद तक नहीं देखा है. रशियन रेवोल्यूशन की बात ज़रूर है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं. पैट्रिस लुमुम्बा को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो साहिर कहता है, खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा. तो आज तो हमें ये इंटरनेशनलिज्म नहीं दिख रहा, जबकि ये बढ़ना चाहिए था. मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप मुझे इस सवाल से हट के थोड़ा जवाब देने की इजाज़त देंगी. कुछ महीने पहले हम लोग जब गुवाहाटी में थे तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी. आपने कहा था कि ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसकी जड़ें जो हैं वो भक्ति आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं और पुरानी हैं. तो मुझे लगता है कि ये रूसी क्रांति और इंटरनेशनल जो आपने और इसके कॉन्टेक्स्ट उजागर किए हैं, उससे कहीं अधिक ज़रूरी चीज़ ये बात समझना है कि वाकई में प्रोग्रेसिव मूवमेंट था क्या. जो जावेद भाई अभी जो बात कर रहे थे उसमें दो तीन बातें बिल्कुल साफ होती हैं कि कुछ उसमें बात तब की बात छोड़िए, हम आज हिस्टोरिकल बयान नहीं कर रहे, आज के हिंदुस्तान में इसकी क्या ज़रूरत है, हिस्टोरिकली इसकी क्या अहमियत थी, वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना इतना कि आज के हिंदुस्तान में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमको तरक्की पसंद इस लिटरेचर की या मूवमेंट की आज क्यों आ रही है. हमें इसलिए आ रही है कि वो एक जज्बा था लड़ने का गैर बराबरी से, वो एक जज्बा था जिसमें कुछ चीज़ें, जैसा आपने कहा कि कृष्ण चंद्र एक बड़े ग्रेट राइटर थे और वो लिटरेरी क्रिटिक्स के नज़र में आज कृष्ण चंद्र बहुत बड़े राइटर नहीं होंगे, मगर आज में मंटो क्यों याद आ रहे हैं, आज में कृष्ण चंद्र क्यों याद आ रहे हैं कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसको मतलब हमने ऐसी तैसी गंगा जमनी नाम दे के कर दी है क्योंकि उसमें गोदावरी नहीं है, उसमें पेरियार नहीं है, उसमें कावेरी और नर्मदा नहीं है, उसमें विंध्य से साउथ कुछ नहीं है, मगर जो हमारी मिली जुली तहजीब है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है. हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं मगर अपनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं करते. मुझे लगता है कि जो दो लफ्ज़ों में इन्होंने जावेद भाई ने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी आस्क द वन वर्ड व्हाई द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों वो इतनी अहमियत रखता है. तो मुझे लगता है कि देखिए, मुझे मैंने उस वक्त भी गुवाहाटी में आपसे बातचीत हो रही थी, मैं जिस छोटे पहाड़ी कस्बे से आता हूँ वहाँ एक नामुराद लड़का दीवार पर इबारत लिख रहा था, उर्दू रादी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर. मुझे बेसाख्ता याद आ रहा था बात कर रहे थे उर्दू की, कि हमें आज ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि उर्दू हमारी साझा विरासत है. वो जो हम ये पैजामा पहनते हैं, क्या ये पायजामा लफ्ज़ हमें ये याद नहीं दिलाता कि हमारी साझा विरासत क्या है.
ہم جب قورمہ بریانی کھاتے ہیں کباب کھاتے ہیں تب کیا وہ ہماری ساجہ وراثت نہیں ہے؟ جب ہم عورت مرد زندگی موت جو چینل زندگی ہے وہ کہتے ہیں تب ہمیں اپنی ساجہ وراثت یاد نہیں آتی؟ ہمیں ایک لفظ ڈکشنری سے یاد کرانے کی ضرورت آج پڑ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں پروگریسو موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جس جن حالات میں, اور جو آپ نے ذکر کیا, جب پیٹرس لمبا قتل کیا گیا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ تب میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کینیڈی مارا گیا سب لوگ یاد کرتے تھے, اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ تو جب پیٹرس لمبا کو قتل کیا گیا تھا تو میں درزہ بارہ کا امتحان دے رہا تھا, مگر اس کے پہلے مجھے فیض صاحب کی وہ نظم یاد آتی ہے جو روزنبرگ کپل کے بارے میں تھی کہ جو نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو نیم تاریخ روزنبرگ جی روزنبرگ کپل کی, تو مجھے نیم تاریخ راہوں میں مارے جانا بے گناہ لوگوں کا جسے یاد رہتا ہے, جسے یہ یاد رہتا ہے کہ تخت و تاج ایک دن اچھالے جائیں گے, ایک دن تو ہوگا جب یہ نظام بدلے گا. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی چیز دا ہوپ ایسپریشن تھی جو کاسموپولیٹنزم کے بنا جو آپ کا بنیادی سوال تھا زندہ نہیں رہ سکتا. علی, آپ کے ساتھ ہم وندیاز کو کراس کر کے حیدرآباد چلتے ہیں, اور یہ بتائیے کہ جو پین انڈین ریچ تھی پروگریسو موومنٹ کی, ہائی نون اس کی ایک ڈرامیٹک فلاورنگ تو ہم بمبے میں دیکھتے ہیں, لیکن حیدرآباد اس کا ایک بہت اہم سینٹر تھا, مرکز تھا, مخدوم محی الدین تھے وہاں اور ایک سے ایک لوگ تھے, اور پروگریسو موومنٹ نے جڑ پکڑی ایک لحاظ سے حیدرآباد میں. ٹیل از اے لٹل اباؤٹ اٹ, ٹیل از آلسو اباؤٹ دا لنکیج اینڈ اے ویری ڈائریکٹ لنکیج بٹوین دا موومنٹ اینڈ دا کمیونسٹ پارٹی وچ وی سی ویری شارپلی ان تلنگانہ. Let me quickly address that question, and perhaps Pushpesh answered a little bit of the question that you asked Javed Saab. Maybe I can answer a little bit of the question that you asked Pushpesh as well. So as far as Hyderabad is concerned, it's always been a center of Urdu, center of Urdu literature. And because of the presence of certain personalities who were both friends of the Progressive Writers Association, but also had been long-term activists like Sipte Hasan, that movement took root in that city very quickly. As far as the relationship of the progressives to the communist part, the communists is concerned, I think it's important to kind of recognize that notwithstanding what people sometimes say, the Progressive Writers Association was never a part of the Communist Party, nor was it a front of the Communist Party. I mean, it was designed initially as a big tent that accommodated all manners of progressives. After all, the first president of the Progressive Writers Association was Munshi Premchand. The idea behind the movement was, of course, to foster a nationalist movement, and subsequently after independence to also look abroad to offer solidarity with anti-colonial struggles across the world, particularly in Africa that we're waging. And I think that the progressives reached out far and wide. You mentioned the nazam that Sahir Ludhianvi wrote about the death of Patrice Lumumba, which is ظلم بس ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. بٹ سردار جعفری آلسو روٹ انٹرسٹنگلی اباؤٹ دا سول رائٹس موومنٹ ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس, اینڈ ہی رائٹس اباؤٹ پال روبسن. ہی سیز, کرشن کا گیت ہے گوکل کی ہنسی شام ہے تو, آ کلیجے سے لگا لیں کہ سیاہ فام ہے تو, دیٹ از کم لیٹ اس ایمبریس بیکاز یو آر بلیک. And there are like dozens and dozens and dozens of examples of the progressive poets writing about struggles, Fayez writing about Julius and Rosal Ethanberg's death, Hum Jo Tareek Rahon Mein Mare Gaye, and a variety of other such efforts to internationalize the movement. ہم یہ یاد ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں اس آڈینس میں دیر از اے ویری لارج نمبر آف ینگ پیپل, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ شیئر سرٹن انفارمیشن ود دیم. واٹ از دا میننگ آف پروگریسو رائٹنگ, اینڈ واٹ از دا میننگ آف پروگریسو رائٹرز موومنٹ, اینڈ واٹ از پروگریسو فرسٹ آف آل دس ہیز ٹو بی ڈسکسڈ. آئی مین وی شوڈ decide the meanings of words before discussing them. Progressive, this is the definition, as he said, and very rightly so, that it was not a wing of Communist Party, because there were many people who were Gandhi, and there were many people who were staunch Hazrat Mohammad, congressmen, staunch congressmen. There were people who were totally apolitical in a way, that way, like, Kafi or Sardar Jafri or Jaan-e-Sar Akhtar were card mem-
card holders of Communist Party, but Ismat Chughtai was not, Sahir was not, Minto was not, there were many who were not. But what did they share? Then how come these Gandhians and Congress people and people who are not willing to have allegiance with any particular political party and communists, why were they under one umbrella? What was the common agenda? The common agenda was to stand up for the downtrodden. The common agenda was to stand up against the colonial rule. The common agenda was to fight against the ruthless exploitation of feudalism and capitalism. The common agenda was empowerment of women. The common agenda was to fight against superstitions. And if any one of you believes that this is a good agenda, that person is progressive. Having said that, Javed Saab, aapko kya lagta hai ki movements ki ek shelf life hoti hai? Kya movements khatam ho jate hain? Kya ideas mar jate hain? क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है, अरिस्टोटल कहते हैं कि एक प्रिंसिपल रियलिटी है जो आइडिया है। आजकल काफी ऐसे मूवमेंट है, वो मर जाए तो मुझे तो गम नहीं होगा। प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, इट इज ट्रेजिक बट ट्रू दैट अ पर्सन और एन आइडियोलॉजी और अ फैशन और अ ट्रेंड ultimately become their own caricatures. You see, gradually the passion, ab dekhiye self-esteem aadmi ki kya bache, uski apni biwi walk out kar rahi. To ab mera self-confidence kitna bacha. Achha. Ye aap log ki wajah se ruk gayi hai. Hai? Ji. तो वो होता ये है कि एक तो कई गलतियां भी हुई. देखिए, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने भी कुछ गलतियां कर दी और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एक ही जगह टिके रहेंगे, कोई भी चीज़ जो सही है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सही रहेगी, उसे आपको एडजस्ट करते रहना पड़ता है, वरना वो रिलीजन जैसी हो जाती है. या तो भाई आप रिलीजन की तरह उस चीज़ को माने कि कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई रैशनल नहीं, मगर आप मान रहे हैं, सब फेथ है. अब ये फेथ क्या चीज़ है समझ नहीं आती मुझे. फेथ उस बिलीफ को कहते हैं जिसका कोई एविडेंस, रैशनल, लॉजिक, प्रूफ नहीं होता है, उस बिलीफ को फेथ कहा जाता है. मेरा ख्याल स्टुपिडिटी भी यही चीज़ है कि अगर आपको कोई रैशनल नहीं, कोई लॉजिक नहीं, फिर भी आप मान रहे हैं तो स्टुपिडिटी हुई. तो सब लोग बजाओगे. Somewhere it turned into a faith. ये जब तक के एक rational था, it survived. But gradually it turned into faith. अच्छा, हम लोग जो हैं, हम Indian जो हैं, वो we are born to worship. तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ God बना ही लेते हैं. तो हुआ ये कि ये जो है काबा काशी बन गए, मॉस्को पेकिंग और स्टालिन और ये सब संत हो गए. अब जब आपके संत ही के टूट गए, मालूम हुआ गॉड हैज फीट ऑफ क्ले. एक दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का ब्रेक होना, तीसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ चाइना की वॉर. तो ये सारी चीज़ें जो थीं और बदलता हुआ निज़ाम, बदलती हुई इकोनॉमिक्स, उसमें कहीं ना कहीं हुआ ये कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है. दिस मस्ट बी द रीज़न. पुष्पेश जी, वुड यू लाइक टू कम इन एंड ऐड टू दिस? What went wrong? Are we not progressive today as a people? Are writers not progressive anymore? If you pardon my saying so, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अंग्रेज़ी मेरे गले से निकलेगी नहीं जयपुर शहर में, ये हिंदी का इलाका है. मगर जावेद भाई ने बहुत एक बेहतरीन बात अभी कही थी यहाँ. उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कुछ गलतियाँ प्रोग्रेसिव मूवमेंट में, प्रगतिशील आंदोलन में हुई हों. और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि आपने राइटर्स का जिक्र किया, उस लफ्ज़ से मुझे थोड़ा परहेज़ है. मुझे लगता है कि या तो आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेसिव होता है या दकियानूस और जाहिल होता है. और जो बात आपने कही कि अगर आप प्रोग्रेसिव नहीं हैं तो आप जाहिल हैं, आप स्टूपिड हैं,
ये आज के हिंदुस्तान में जब पॉलिटिकल डिबेट होती है या सोशल डिबेट होती है तो ये बदकिस्मती हमारी है कि हम लोग उसे, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप जाहिल हैं, दकियानूस हैं, अगर आप तालिबान के समर्थक हैं तो दकियानूस और जाहिल हैं, और अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं। आपने बहुत शुरू में एक बहुत बेहतरीन बात कही कि आप ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें कि अगर आप प्रोग्रेसिव हैं तो आप कम्युनिस्ट हैं और अगर आप हिंदू या मुसलमान हैं तो आप दकियानूस बाय बर्थ। तो मेरे ख्याल में हम में से हर, आपने जो बहुत अच्छा सवाल अभी उछाला है वो मेरे ख्याल में इस, मेरे लिए इस सेशन की सबसे अहम चीज़ है कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है, 70% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। आपके लिए अगर ये एंशिएंट हिस्ट्री का विषय है, ये अगर आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट है कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट क्या है, उसकी क्या अहमियत है और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट क्या था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अली भाई ने जिक्र किया प्रेमचंद का। मुझे लगता है कि एक दौर था जब फिराक, प्रेमचंद, सुभाषचंद्र पंत सबके सब लोग प्रोग्रेसिव थे, और कब ये प्रोग्रेसिव रहना बंद हो गए और अब कब ये हिंदू रिवाइवलिस्ट हो गए, ये फिर अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आज के हिंदुस्तान में वो जो बारबरा टकमन का फ्रेज है, बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी किताब का उन्वान था, अ डिस्टेंट मिरर, वो दूर का आईना हमारे आज सामने खड़ा, हमारा मुँह चिढ़ा रहा है कि आज के हिंदुस्तान में हम में से, आप में से हर एक को इंडिविजुअली ये तय कर रहा है कि मैं एज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव हूँ कि नहीं हूँ, या मैं रिएक्शनरी हूँ कि नहीं हूँ, मैं फ़िरका परस्त हूँ कि नहीं हूँ। और अगर लड़ाई गैर बराबरी के ख़िलाफ़ है, अगर लड़ाई फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, तो मुझे किसी मूवमेंट के शुरू होने के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछा कि क्या किसी मूवमेंट की शेल्फ़ लाइफ होती है, जी हर मूवमेंट की शेल्फ़ लाइफ होती है, मगर जो वो गीता का लुक्मा है बड़ा लाजवाब डिलिशियस कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जिसको कोई अपने रोमांटिक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा भी बनाता है, कि आइडिया शायद मरता नहीं है, आइडिया का भी रिबर्थ होता है। तो एक मूवमेंट की शेल्फ लाइफ होती है, वो मूवमेंट ख़त्म हो जाता है मगर वक्त बदलता है, वक्त की ज़रूरत बदलती है, चुनौतियाँ नहीं आती हैं, और जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो शायद हमने जिस सूखे बीज को, जिस आम की सूखी गुठली को मरा समझा था, उससे एक नया पेड़ पैदा होता है। तो वो वक्त आज के हिंदुस्तान में आ चुका है। जावेद साहब, आपको उस सूखे बीज में कोई जिंदगी के आसार नजर आ रहे हैं इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि एक, शायद मैं आप ही की बात को ऐड करूंगा, कि शायद एक वजह और भी रही होगी कि बहरहाल ये जो मोमेंट था, ये राइटिंग के थ्रू था, पोएट्री के थ्रू था, वो सोसाइटी जिसमें ये लिटरेचर और पोइट्री ही मार्जिनलाइज हो जाएं, तो फिर उनका असर भी कम हो जाएगा। तो हुआ ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो हमारे यहाँ हुआ, एक जो नई मिडिल क्लास डेवलप हुई, उसकी प्रायोरिटी जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास थी उससे डिफरेंट थी। उनको अभी कुछ सामान खरीदना था, घर बनाने थे, कार लेनी थी, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर चाहिए था। तो ये जो एक सारे कामों में बिजी हुई सोसाइटी चीज़ों के लिए, उसमें कहीं जो लिटरेचर था, जो पोइट्री थी, जो हमारे क्लासिकल आर्ट थे, वो तमाम के तमाम ने कुछ बैकसीट ले ली। तो जब आप पढ़ना ही बंद करेंगे, या लोग, ये मेरी जनरेशन में हुआ है और या मुझसे थोड़े छोटे लोगों में हुआ है, 25 साल के जो लोग हैं वो तो अब रिवाइव कर रहे हैं इसको, वो वापस आ रहे हैं, जहाँ हमने ढकेल दिया तो उन्हें वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ये जब आपकी सोसाइटी पढ़ना ही कम कर देगी, तो फिर क्या फिराक और क्या फैज और क्या कृष्ण और क्या बेदी, पढ़ ही नहीं रहे अगर जी नहीं। मैं, मुझे एक बात याद आ रही कि फराज साहब को एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था टेलीविजन के लिए, तो उन्होंने फैज साहब के बारे में कहा था कि फैज साहब जब पोस्टर भी बनाते थे तो वो पेंटिंग नज़र आती थी। और अभी जब पैनल डिस्कशन शुरू हो रहा था, सुधीर जब आए थे तो उनसे बातचीत हो रही थी कि टेलीविज़न में क्या ये मुमकिन है कि आज आप कुछ इन चीज़ों को दिखा सकें, बता सकें, कि जब लोगों के पढ़ने लिखने की आदत ख़त्म हो गई है। जब आप पहले जयपुर फेस्टिवल में आते थे तो किताबों के बुक स्टॉल होते थे, अब स्पॉन्सर्स में गूगल हैं तो किंडल बिक रहा है मगर किताबें नज़र नहीं आ रही हैं। कल शबाना जी जब बोल रही थी तो मुझे वो सेशन इतना खूबसूरत लगा कि आप जब फैज साहब की साहबजादी के साथ बातचीत कर रही थी, कि आपने बहुत डेलिकेसी के साथ ये फ़र्क किया था कि मेरा बचपन आपसे फ़र्क था। मुझे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन नहीं था कि अम्मी हाथ की अकेली सोने की चूड़ी गिरवी रखती थी और घर में 20 लोग खाना खाते थे। तो मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने की आदत अगर
लोगों की खत्म हो गई है, तो हम मार मार के कहते थे लोगों को मुसलमान बनाते हैं, मार मार के हमको पढ़ाकू नहीं बना सकते, मगर अगर टेलीविजन के साथ हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है तो मुझे लगता है कि शायद बेहतर ये है कि क्या हम टेलीविजन का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं कि आप हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होगी जब वहीदा जी थी, कल आप थी, कि पीपल स्टिल टेक व्हाट यू से सीरियसली, कि जावेद भाई का जो फिल्मी गाना होता है वो लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मैं आपसे दूसरी बात कहूँ, दूसरे स्पॉन्सर रजनीगंधा वाले हैं, उनकी किताब के कॉफ़ी टेबल बुक के आखिर में एक सूरज ऐसा था आपकी एक नज़्म में, पीपल वुड थिंक कि इट इज़ सेलिंग पोएट्री, बट व्हेन आई रेड इट आई सेड व्हाट अ पोएट डज, कि आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो मुझे वो फराज साहब की बड़ी याद आई कि पोस्टर भी पेंटिंग बन जाता है। तो अगर आप हैं, वहीदा जी हैं, anybody who's, I mean not the people present here, अगर हम टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हों या मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हों तो शायद पढ़ने की आदत से मैं उतना फिक्रमंद नहीं होगा। जी, अब ये कुछ थोड़ा सा सेल्फ इंटेलिजेंट सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंस है मैं अर्ज करूँगा। इन दिनों मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जिस पे दोहे और उर्दू शायरी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज थैंक टू दी 25-year-old पीपल, कुछ हमारे भी खैर एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम चल ही नहीं सकता इफ यंगर पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट। तो आजकल तो मैं देखता हूँ, अभी सुबह मैंने किताब एक कोई 20-22 साल के लड़के की पोइट्री की किताब रिलीज़ की, इससे पहले भी मैं कई बार कर चुका हूँ ऐसा, व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, व्हेन आई गो टू स्कूल, आई कैन सी दैट देयर इज ट्रेमेंडस इंटरेस्ट इन लिटरेचर and poetry, and I feel so sad sometimes that they are interested but they are not informed, they don't know about the craft of poetry. So if they don't know, who to blame? Unko thodi aap blame karenge, blame to us atmosphere ko karenge jisne unhe ye sikhaya nahi, wo to seekhna chahte hain aur seekhna chahte the. So there is a revival and that give me hope and I feel optimistic. Ali, you have written this remarkable book called Anthems of Resistance, and in that book, while you talk about resistance poetry and how important poetry is as a means of articulating resistance, you've also drawn our attention to the intersection between the Progressive Writers Association and the Bombay film industry. Many of the progressives, at some point, Shabana, I'd like you to come in also after Ali and take this discussion forward, that the movement was not confined to just the creative writer who was writing for an erudite audience. This movement had people who were reaching out through different means. IPTA was such an important, your mother was a member of the IPTA. So the IPTA, the Bombay film industry, Ali, talk a little about this that you've taken up in your book as well. Yeah, the title of the session is Adab Bara-e Zindagi, and I think we can place that in the context of the Progressive Writers Movement. I mean, this was a very important debate of that time, of the early 20th century, and not just in India, but it was raging through Europe and other parts of the world, which was that what is the function of art itself? Does art reflect reality? Does art seek to change reality? So the two different poles of this debate were Adab Bara-e Adab, or art for art's sake, and Adab Bara-e Zindagi, which is art for life's sake. And the progressive writers echoed the movements that were taking place elsewhere and came to the conclusion that that an artist owed a responsibility to society to try to use his or her art in order to transform social reality itself, to make changes in the material conditions of the lives of the people. So many of these writers of the Progressive Writers Movement were not writers alone. In many ways, their primary self-identification was as activists. And therefore, in order to reach as wide a space as possible, they occupied the arena of public culture and the biggest space of public culture that was available, of popular culture that was available, was the film industry. And so many of our greatest lyricists, Sahir Ludhianvi, Majroo Sultanpuri, Kaifi Azmi, Janisar Akhtar, and so on, were part of the Progressive Writers Movement. They were nurtured within the Progressive Writers Movement and sought to use this space in order to spread a particular kind of a message. And I just want to add one little thing to the previous discussion, is that I'm not sure what is served by thinking so deeply about why movements fail. Often movements run their course because they are relevant for their times.
And just because the progressive writers movement, in terms of its formal shape, in terms of its emergence as a formal association, is no longer among us, let's not assume that their work, that their entire body of work is no longer relevant. Without Mir and Ghalib, there wouldn't have been an Iqbal. Without Iqbal and Josh, there wouldn't have been a Sahir or a Makhdoom or Janisar Akhtar. And without these people, there wouldn't have been Javed Akhtar. And if you look around the world, particularly if you look in Pakistan, you see that at the moment of the greatest repression, which is when General Ziaul Haq comes to power in a coup, and the country is defined by a certain kind of sexism and misogyny where women are being repressed, at the moment of the greatest repression, you see the flowering of the finest feminist poetry that the Urdu language had ever seen. And these poets owe a conscious debt, and a debt that they clearly and explicitly acknowledge, a debt to the poets that came before them. So let movements are born, movements run their course, movements go away, but the transformation that they create, the fertile soil that they leave behind, sprouts many different kinds of movements in itself. Shabana, please talk a little about the intersection with you. I don't think that people from the progressive writers movement gravitated towards film because they thought it was a popular medium through which their ideas could find fertile ground, because ultimately, if you are working for a film, then you're confined by the diktat of the screenplay and the scene. What happened is most of these people were members of the Communist Party, because of which they didn't have any money at all. All the money that they earned went to the Communist Party. My father used to get only 40 rupees a month for being a full-time party worker. And then when he had children, he needed money, and the only way he could get it was by writing songs for films. And so Shahid Latif gave him a film, and that's how he started. Lekin us zamane mein, Hindustani film mein, Urdu zaban jo hai, Hindustani film custodian thi Urdu zaban ki. That was the place jo wahan wo muhafiz tha. So if in a film where the hero and the heroine are not Muslim, they are Hindus, and the zaban of the song is Sach bata tu mujh pe fida, kyun hua aur kaise hua, mar gayi teri baaki ada, yun hua aur aise hua, aaj ke zamane mein aap ye kar hi nahi sakte. Ye zaban hi kisi ko aati nahi aur ye zaban hi aap nahi jante. So I think it was not a conscious decision so much as the fact that these were the people who knew the language, which was the language of cinema, I think. Javed sahab, zaban pe zara aur baat ki jaye. Dekhiye, zaban ka aisa hai ki aajkal kya ho gaya hai ki jab tak main keh raha hoon aur aapki samajh mein aa rahi hai to main hindi bol raha hoon, jab samajh mein aana band ho gaya to urdu hai. Javed sahab ne bahut नहीं, जावेद साहब ने बहुत पुरानी बात याद दिला दी. मैं जिस छोटे पहाड़ी कस्बे में रहता हूँ, वहाँ एक लौंडे बादशाह दीवार पर लिख रहे थे, उर्दू लादी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर. मैंने उसका बरखुरदार इसमें बता दिया कि एक लफ्ज़ ऐसा है जो उर्दू का नहीं है. मगर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ रक्षंदा. ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे और उनका ये मानना था दैट आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज. दे डिडंट बिलीव दैट आर्ट वुड ब्रिंग अबाउट इमीडिएट change. It was not like a litmus test, pink and blue and alkaline and acid, but it would create a fertile soil in which these ideas could progress. But what is very interesting is, having seen this as their path, they realized that the only true way forward for an artist really is to make life her resource base. You cannot get ideas from the firmament. You have to be directly connected to the people. Jo mazdoor hain, jo kisan hain, jo aurat sar pe itna bojh utha ke dhaan utha ke lekar jati hai khet mein, uske paseene mein aapko khoobsurti nazar aa rahi hai. Na ki ye ki aapne itr lagaya hua hai aur ek mughal painting ki tarah aap baithe hain. Jo real palpitating life hai, usse wo jude aur usse unka art bana. Ji, Javed sahab.
بات کو مکمل کیجئے جو زبان کی طرف ہم آ رہے تھے کہ پروگریسیوز نے زبان کو ایک ٹول کی طرح ایک لٹری ٹول کی طرح کس طرح سے استعمال کیا. دیکھیے کانٹینٹ اور فارم جو ہیں یہ دو الگ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جب کانٹینٹ بدلتا ہے تو فارم خود بخود ہی بدلتا ہے, اسے بدلنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ ہر کانٹینٹ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈس لے کے آتا ہے. اردو شاعری میں پولیٹیکل کانشیسنیس اور سوشل ایشوز پہ ذکر کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو آپ کو غالب میں اور میر میں اور 250 سال اور 300 سال پرانی شاعری میں نظیر کی پوئٹری مل جائے گی. بلکہ ایک جیسے ہوتا نا یہ سونیٹ ہے یہ پوئم ہے یہ الگ الگ طرح کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اردو میں بھی ایک ہے ان میں سے ایک ہے جیسے غزل ہے نظم ہے قصیدہ ہے مرثیہ, ایک ہے شہر اشوب, وہ ہائی شہر کی یا سماج کی جو مصیبتیں ہیں ان پہ اگر آپ پوئٹری لکھتے ہیں تو اس کا نام ہے شہر اشوب, اور یہ 300 سال پرانا فارم ہے. تو یہ تو ہوتا رہا ہے لیکن وہ ایک بڑے تہذیب میں اور ایک بڑے اشاروں میں اور ابلیکلی کیا گیا. جب وین یو اسٹارٹیڈ کالنگ اسپیڈ آئی اسپیڈ تو بھائی اسپیڈ بھی پوئٹری میں آ گیا. اب جو ٹریڈیشنلسٹ تھے وہ تو بہت شوق ہو گیا انہیں, کدال مزدور کسان کھیت یہ ورڈ پوئٹری کے ہیں کیا؟ اور آج آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی, لیکن اس وقت جب کہ صرف بات بڑی خوبصورت گل کی بلبل کی موسم کی آشیاں کی اور بجلی کی اس طرح کی شمع کی پروانے کی باتوں میں سمبلز میں بات ہوتی تھی, ایک آدمی کدال اور مزدور پہ بات کرنے لگا تو ذرا خطرناک لگا. حالانکہ دیکھیے اچھی شاعری تو ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز کو بھی چھو لے اسے خوبصورت بنا لیتی ہے. مجھے کچھ لائنیں یاد آ گئیں, سردار جعفری نے اودھ کے اوپر ایک پوئم لکھی تھی تو اس میں ایک جگہ پہ اب دیکھیے کہ کمہار کا چاک چل رہا ہے لوہار کے گھن کے نیچے لوہے کی شکل تبدیل ہو رہی ہے, کمہار کا چاک چل رہا ہے سراہیاں رقص کر رہی ہیں پتیلیاں گنگنا رہی ہیں, دھوئے سے کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہنس رہے ہیں, سفید آٹا سیاہ چکی سے راگ بن کر نکل رہا ہے. تو اب مگر آٹا چکی پتیلی یہ ورڈ جو تھا جو ٹریڈیشنلسٹ تھے ان کے لیے بہت آؤٹریجیس بات تھی اور بہت ناراض ہوئے, انہوں نے لکھا بھی ٹریڈیشنلسٹ نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو جرنلزم شروع ہو گیا, یہ پوئٹری تھوڑی ہے, یہ تو بڑی بورنگ چیز ہے. لیکن وہ ایک ٹائیڈل ویو تھا جو چھا گیا اور اس نے زبان کو بدلا. اس کے بعد یہ بھی صحیح ہے کہ ایسا نہیں کہ وہیں رک گئی پروگرس زبان کی, اس کے بعد جو ماڈرن پوسٹ ماڈرن پوئٹ آئے انہوں نے اور زیادہ زبان کو بدلا, پھر شاید یہ پروگرسو شاک ہوئے ہوں گے یہ کیا ہو رہا. تو ایسے ہی جنریشن آفٹر جنریشن چینجز ہوتے رہتے ہیں. ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, دس واز ناٹ اسٹرکٹلی اردو پوئٹری موومنٹ اور اردو لٹریچر موومنٹ, یہ دراصل 1935 میں 1934 میں یہ پہلی اس کی میٹنگ تو جو ایک بنگالی رائٹر تھے جیوتیرمل گھوش, ایک انگریزی رائٹر تھے ملک راج آنند, ایک اردو کے رائٹر تھے سجاد ظہیر اور ایک اور رائٹر تھے محمد دین تاثیر, یہ چار لوگوں نے لنڈن میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھائی وقت آ گیا ہے کہ جب لٹریچر کو کسی سوشل اویئرنیس کے لیے اور کلونیل پاورز کے اگینسٹ استعمال کیا جائے. اینڈ دین دے پریپیئرڈ مینیفیسٹو وچ واز بیسیکلی ڈن بائی سجاد ظہیر. اینڈ دین ان 1936 اپریل 13 ٹو بی پریسائز لکھنؤ میں اس کی نیو ڈالی گئی جس میں ہندوستان کی ساری لینگویجز کے لوگ تھے اور پریم چند نے اسے پریسائڈ کیا, رابندر ناتھ ٹیگور نے اسے بلیس کیا, لیٹر بھیجا اس کے لیے. لیکن یہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور سمبڈی ہوز مدر ٹنگ از اردو میں بڑے پرائڈ سے بولتا ہوں کہ 20th century میں جتنے بڑے اردو پوئٹ پیدا ہوئے وہ سب کے سب پروگریسو رائٹرز موومنٹ میں تھے, دے ور سیکولر دے ور لبرل, جتنے بڑے رائٹرز پیدا ہوئے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور سم وے لوگ اردو کے اس آسپیکٹ کو بھول جاتے ہیں. مطلب آج کل تو یہ وقت ہو گیا ہے کہ ایک میں نے خبر پڑھی تھی
कि दो टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर में मारे गए और उनकी कार में से कुछ ऑडियंस निकला और दो तीन उर्दू की किताबें निकली। तो अब ये तो ऑडियंस होती जा रही है जबान, तो ये तो सब बेकार बात है। मुझसे किसी ने पूछा था ये बताइए, अच्छा सच बताइएगा, उर्दू में कोई ऐसा गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो उनको ये नहीं मालूम कि ये उर्दू ही का है। हमारे पास 5 मिनट के लगभग हैं, कोई सवाल हो तो उनको बहुत छोटा रखिए ताकि जवाब मुनासिब मिल सके। Just get him a mic, please, there. And keep it really short. You can only ask why. Two words. Namaskar sir, as you said, you go to schools and colleges and you find this movement rebirth, like the rebirth of this movement. And they don't get the information and the path. Just a piece of advice from you, just a piece of suggestion from you for the budding poets and the people who are interested, like the students who are really interested in literature and who are trying to find a way through this society which, you know, is basically materialistic. You see, you have art schools where you can go and learn painting, you can improve your craft. You have dance schools, you have music schools. But I'm afraid in this world you don't have any poetry schools. The only way you can learn writing a good novel or writing a short story or writing a poem is by relentlessly reading good writers. Aap padhte hi rahiye, aur poetry agar aapko karni hai to acche poets ko padhiye, chahe wo classical ho, chahe modern ho, postmodern ho, aur unki poetry zabani yaad. Before we call it a day, मैं एक ज़रा सा, हमारी दोस्त यहाँ बैठी हैं सलीमा जो लाहौर से आई हैं, फैज़ अहमद फैज़ की बेटी, मैं फैज़ साहब की थोड़ी सी पोइट्री सुनाना चाहूँगा। आप लोग सब खड़े आप बैठ जाइए, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग, आई प्रोमिस यू। बैठ जाइए। ये वो नज़्म तो लंबी है, वक्त है नहीं, तो मैं आपको शुरू के दो हिस्से सुनाता हूँ। ये देखिए, फैज़ साहब की शायरी के बारे में मैंने पहले भी कभी कहा है कि जैसे चांदनी जिस चीज़ पे भी गिरती है उसे खूबसूरत बना देती है, वो अगर किसी बेहंगम से टीले पे भी पड़ेगी तो अच्छा लगने लगेगा, उसी तरह से फैज़ की शायरी है, वो जिस चीज़ को छीती हुई वो चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। अब जेल की सुबह तो खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो बहुत दिन गुजारे हैं जेल में, तो ये जिंदा की एक सुबह, जेल की एक सुबह उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है उसे, उसके दो हिस्से मैं आपको सुनाता हूँ। नज़्म तो लंबी है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद वक्त नहीं। रात बाकी थी अभी के सरे बाली आकर, सिरहाने आकर, जब रात ख़त्म होने लगती है तो चाँद तो यहाँ आ जाएगा। रात बाकी थी अभी के सरे बाली आकर, चाँद ने मुझसे कहा जाग, सहर आई है, सुबह आ गई है। जाग जो शब की मैनाब तेरा हिस्सा थी, जाम से अब वो तहे जाम उतर आई है। वो रात की शराब जो तेरे हिस्से में थी, अब वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द ग्लास पे है, खत्म हो गई, इतनी थी बची नीचे। रात बाकी थी अभी के सरे बाली आकर, चांद ने मुझसे कहा जाग, सहर आई है। जाग जो शब की मैनाब तेरा हिस्सा थी, जाम से अब वो तहे जाम उतर आई है। से जाना को विदा करके उठी मेरी नजर, बस टेकन फॉर ग्रांटेड के जब आंखें बंद थी तो महबूबई के ख्वाब देख रहे थे। अक्से जाना को विदा करके उठी मेरी नजर, शब के ठहरे हुए पानी की सियाह चादर पर, जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर, चांद के हाथ से तारों के कमल गिर गिर कर, डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे, रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे। लज्जते ख्वाब से मखमूर हवाएं जागी, जेल की जहर भरी चूर सदाएं जागी, दूर दरवाजा खुला कोई बंद हुआ, दूर मछली कोई जंजीर मचल कर रोई, दूर उतरा किसी ताले के जिगर में खंजर, सर पटकने लगा रह रहे के दरीचा कोई। अब इस
इसके बाद कुछ सुनने और कहने की गुंजाइश ही नहीं है. इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर पैनलिस्ट फॉर कमिंग. वी विल हैव सम अनाउंसमेंट्स ऑन